find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know, it's time for the meaning. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं आज आपको मको की जेली की रेसिपी दे रही हूँ. बहुत इजी और आसान बनने वाली है ये. आप रोटी से पराठे से खाएं, बच्चों को टिफ़िन में दें. बहुत इजीली बन जाता है और अच्छा बनता है ये. इसको बहुत लोग मको हम लोग कहते हैं, बहुत लोग रस भरी भी कहते हैं. ये बिहार साइड पर ज़्यादा होता है. देखिए मैं इसको पहले इसका छिलका हटा के इसको मैंने अच्छी तरह से धो वाश कर लिया. और यहाँ देखिए चूल्हे पर मैंने इसको पानी रख दिया. मैं इसको इधर, और ये आप बना के स्टोर कर सकते हैं. कम से कम साल भर तो आराम से आप रख सकते हैं. 6 महीने साल भर इसको शीशे की जार में बना के. थोड़ा सा उसके लिए अलग से ट्रिप करना होगा. उसके लिए देखिए पानी खोला के मैं इसमें इसको गला लूँगी और चीनी का क़िमाम वो अलग तैयार करूँगी. चीनी को अच्छे से थोड़ा सा पका लूँगी. उससे बहुत दिन ज़्यादा दिन तक सेफ रहता है. और जो जल्दी बनाया, थोड़ा सा बनाया जल्दी खा ले, तो बस थोड़ा सा गला इसी में चीनी डाल के पका लेते हैं. तो मैं ज़्यादा दिन रखने के लिए इस टाइप से बना रही हूँ. अभी मैं इसको वो अच्छी तरह से इसको गला लूँगी. और इधर मैं देखिए चीनी का वो थोड़ा सा पका लेती हूँ. टाइम ज़ाया किए, टाइम की बचत भी हो जाएगी और दोनों काम हो जाएगा. दो एक एक तरफ ये जब तक मको हो जाएगा, एक तरफ हमारी चीनी पक जाएगी. देखिए पानी डाल दिया इसमें 1 गिलास. अब इसमें मैं 1 किलो 700 ग्राम करीब चीनी डाल दे रही हूँ. अभी चीनी मेरा अच्छे से पक जाएगा. उसके बाद फिर जब इधर ही गल जाएगा, इधर चीनी पक जाएगा, उस इसको मैं इसमें डाल के फिर पकाऊंगी. देखिए मैं आपको इतना ही गलाना है. बस गल के इतना बीच से देखिए स्टेप से हो जाए, सॉफ्ट हो गया बीच से ऐसे फट जाता. और देखिए इधर चीनी भी मेरा हो गया. अब मैं इसको इसमें से निकाल के इसमें डाल दूँगी. एकदम चूल्हा एकदम स्लो आंच कर दूँगी. इसको स्लो आंच पे बनाऊँगी. अब ये ऐसे करने से आराम से आप साल भर रख के खा सकते हैं. अच्छे से शीशे की जार में करके रख दीजिए. और ऐसे जैसे मको गलाया और उसमें चीनी डाल दिया, तो बस वो फौरन वाला है. फास्ट खा के यूज़ करके ख़त्म करिए. और ये ऐसे बना करके रख दीजिए बच्चों को लंच में, नाश्ते में. आप मेहमान आए तो उनके आगे रखिए दस्तरखान पे जेली जाम और सलाद से अच्छा लगता है. इंशाल्लाह आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आएगी. पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे दुआओं में भी याद रखें. देखिए मैं ये धीरे धीरे इसी टाइप से एकदम स्लो आंच पे इसको रख दिया मैंने. अब इसको 25-30 मिनट इसको मैं इसी तरह से पकाऊंगी. 25-30 मिनट. देखिए हमारा मको के जाम तैयार हो गया. अब मैं इसको ठंडा करके शीशे की जार में करके रख दूंगी. देखिए बिल्कुल दम इसको देखेंगे ना तो इससे एकदम बिल्कुल शीशे की तरह एकदम साफ. ये बहुत रोटी से पराठे से आप बच्चों को, बड़ों को, मेहमान आए तो दस्तरखान के सजाने के लिए ये सब चीज़ अच्छे लगते हैं. मैं इसको ठंडा करके आपको निकाल के दिखाऊंगी. लोग इसको मको की जेली कहते हैं. Find the real me.